वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमिट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते, उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है।
ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा, अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है, हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है, हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जूटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था, जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में
किसी भी समाज में पैदा हुआ हो उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोडमैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए, 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास है। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है। ये भी गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के युवा है। इन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था। इनकी गारंटी भी मोदी ने ली। हमारी सरकार इनकी साथी बनी। हमने बैंकों से कहा कि आप भयमुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए। लाखों करोड़ रुपए का मुद्रा लोन इसे पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है। साथियों, हमारे खिलाड़ी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें से अधिकतर युवा गांवों से, कस्बों से, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से ही है। इनको खेलो इंडिया अभियान से घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल रही है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था मिल रही है। इसलिए गांव गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब युवा हित को प्राथमिकता मिलती है तो परिणाम कितने शानदार होते हैं। साथियों, आज जब मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करता हूं तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी मेरे देश के युवा ही हैं। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक अवसर, अधिक रोजगार। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। साल 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है। सरकार एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में आपके साथ
मजबूती से खड़ी हुई है। विकसित भारत निर्माण के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। मैं सभी नौजवानों से MyGov पर विकसित भारत से जुड़े सुझाव साझा करने का फिर से आग्रह करूंगा। देश की युवा शक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक और बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी संस्था सरकार ने बनाई है। ये संगठन है, ये मंच है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। ये मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा है। आजकल जो विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है, उनके दौरान भी लाखों युवा इस माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से फिर कहूंगा कि आप माय भारत पर जाकर खुद को जरूर रजिस्टर करें। मेरे परिजनों, आज वीर बाल दिवस पर मैं देश की सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपरहिट होगा। भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप दिन में या सप्ताह में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप सुपर फूड मिलेट श्री अन्न के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने इस डाइट में शामिल कर रखा है? डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं? आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं या फिर नींद पर उतना ध्यान ही नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। सबका प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरुओं ने दी है। सबका प्रयास की इसी भावना से भारत विकसित बनेगा। एक बार फिर महान गुरु परंपरा को, शहादत को नया सम्मान, नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले वीर साहेबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा। आभार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का साथ ही निवेदन भी, कृपया मंच के मध्य भाग